नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कोटा विजिटर में। दोस्तों, आज फिर हम विजिट कर रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चंबल रिवर पर जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पास करने के लिए जो ओवर ब्रिज बन रहा है, यह ओवर ब्रिज आज हम इस वीडियो में देखेंगे और इस ओवर ब्रिज के बारे में भी थोड़ा हम जानेंगे। और हम आ पहुँचे हैं चंबल रिवर, जहाँ से गुजर रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। यह चंबल रिवर है और यह कोटा की सीमा का एंड यहाँ पर हो जाता है। कोटा का जो नॉर्थ एंड है वो यहाँ पर हो जाता है। ये जो चंबल नदी है ये कोटा और बूंदी को यहाँ पर डिवाइड करती है। ये पुल यहाँ पर कोटा और बूंदी जिले को आपस में जोड़ता है। ये चंबल नदी के नॉर्थ किनारे से शुरू हो जाता है बूंदी जिला, और इसके जो साउथ किनारे से वो शुरू हो जाता है यहाँ से कोटा ज़िला, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मुंडिया गांव के पास जाके और कोटा ज़िले की सीमा समाप्त होती है। तो मध्य प्रदेश की सीमा से कोटा चंबल रिवर तक का एक वीडियो हमने इससे पहले अपलोड किया हुआ है पूरा, कोटा के साउथ एंड से कोटा के नॉर्थ एंड तक का वो वीडियो है, जो लगभग 105 किलोमीटर का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है कोटा ज़िले में, उसको हमने पूरा कवर किया है। और उस वीडियो का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। बूंदी के अंदर इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की जो कुल लंबाई है वो है 38 किलोमीटर, और यहाँ लोकेशन की बात करें तो चहिंचा खुर्द विलेज यहाँ पर पास में है। तो बूंदी में यह एक्सप्रेसवे 38 किलोमीटर निकल रहा है, जहाँ ये मोतीनगर गांव से इसकी शुरुआत होती है और चैंचा खुर्द पर आकर यह यहाँ पर समाप्त होता है। और यहाँ पर बन रहा है यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का सबसे लंबा ओवरब्रिज। यह जो पुल है यह इस एक्सप्रेसवे पर सबसे लंबा पुल होने वाला है। और इस पुल की लंबाई की बात करें हम तो यह जो पुल है इसकी लंबाई है 720 मीटर। दोस्तों, इससे लंबा पुल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कहीं नहीं है। यह अपनी 720 मीटर लंबाई के साथ इस एक्सप्रेसवे का पहला पुल है। दोस्तों, चार चार लेन के दो भागों में इस पुल को बनाया जा रहा है, चार लेन आने के और चार लेन जाने के है। आप ये जो बड़े पिलर देख रहे हैं यह मेन स्थान पिलर है यहाँ के, इसके आधार स्तंभ इनको कह सकते हैं। ये जो चार पिलर आप देख रहे हैं, चारों पिलर्स बेस पिलर है। नीचे से इन पिलर्स की जो ऊंचाई है वो है 120 मीटर, यानी कि 360 फीट ऊंचाई इन पिलर्स की यहाँ पर है। और इधर जो किनारे पर जो ही आगे हम जाएंगे दोनों तरफ, तो उन पिलर्स की जो ऊंचाई है वो कम होती जाएगी, लेकिन जो इसके जो मेन पिलर है, मेन जो स्थापन पिलर इसके हैं, उनकी ऊंचाई है दोस्तों 120 मीटर। और यह जो पिलर्स हैं, सारे जो पिलर्स इसमें बनाए गए हैं, ये टोटल पिलर्स है 34, और इन पिलर्स पे ही पुल को बनाने का काम किया जा रहा है। 34 पिलर्स पर यह पूरा जो पुल है वो टिका रहेगा दोस्तों, और इन पिलर्स पे ही एक्सप्रेसवे को जोड़ा जा रहा है। ऊपर आप देख सकते हैं, और इस पुल की डिज़ाइन इस तरह से तैयार की गई है कि चंबल नदी में चाहे जितनी भी पानी की आवक हो जाए, पानी इस पुल तक नहीं पहुंच पाएगा। एक्सप्रेसवे को पानी नहीं डुबो पाएगा, चंबल का जो पानी है वो एक्सप्रेसवे को कभी नहीं डुबो पाएगा। इस प्रकार से इस पुल का निर्माण किया जा रहा है मित्रों। इस पुल का काम लगभग पिछले 1.5 साल से चल रहा है। पिछली बार बारिश ज़्यादा हुई थी तो नदी में जलभराव के चलते 4 माह तक लगभग काम बंद रहा था, और इसमें इसकी जो निर्माण कर रही कंपनी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। कोटा बैराज बांध से जब पानी की निकासी की गई तो चंबल नदी में एकदम से ज़्यादा जलभराव हो गया, और उस जलभराव के दायरे में आने के कारण कंपनी की कई मशीनें इसमें डूब गई थी। लेकिन इस बार बरसात कम होने से पुल का काम तेज़ी से चल रहा है। चंबल नदी पर तैयार किया जा रहा यह पुल एक्सप्रेसवे पर सबसे लंबा पुल है, और दिसंबर तक इस पुल को तैयार करने का टारगेट है, और एक लेन नवंबर तक पूरी हो जाएगी।
और इधर दिल्ली से मुंबई की ओर जाने वाली जो साइड है उसका काम आप देख सकते हैं। और लगभग नवंबर तक इस दिल्ली से मुंबई की ओर जाने वाली जो पुल की लेन है इसका काम पूरा कर लिया जाएगा। और नवंबर तक आपके वाहन इस चंबल रिवर ओवर ब्रिज के ऊपर से पास हो जाएंगे। यह जो दूसरा भाग है मुंबई से दिल्ली की ओर जाने के लिए, तो इस भाग को भी जनवरी 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर ही दो और चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगले वीडियो में हम जब यहाँ से आगे चलेंगे तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। अगले वीडियो में हम चलेंगे यहाँ से बूंदी सवाई माधोपुर के वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग तक। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।